ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे 19 मई के श्री वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम देह, हमारा जो शरीर है और देह के साथ जो संबंध है हमारे, चाहे वो टाइटल हो, चाहे वो हमारा बैंक बैलेंस हो, चाहे वो हमने कितनी सर्टिफिकेशंस क्वालिफिकेशंस प्राप्त करी हैं जो कि इस शरीर से रिलेटेड हैं, और देह के संबंध में माता पिता, भाई बहन, बंधु सखा, हर कोई आ जाता है, और पदार्थ जो हमारे पास हैं यूज़ करने के लिए, जैसे कि ये मोबाइल फ़ोन हो गया, स्टैंड हो गया, ये सारी चीज़ें भी क्या है, पदार्थों में आ जाते हैं। तो देह, देह के संबंध और पदार्थों के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त फरिश्ता भवा। कुछ हो जाए फ़ोन को, अगर आप परेशान हो जाते हैं तो आप फरिश्ता नहीं हैं, आप भारी हैं। फरिश्ता तो हल्का होता है। तो परमात्मा इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमें समझाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया, अगर हम इस दुनिया को देखें तो इसको कलयुग कहा जाता है। तो ये दुनिया पुरानी होगी, सत्युग था, गोल्डन एज, कलयुग हो गया आयरन एज, जहाँ पे हर चीज़ मेहनत से करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इस पुरानी दुनिया की अट्रैक्शंस में फंसे रहेंगे, इस पुरानी दुनिया की बातों में फंसे रहेंगे, पुरानी दुनिया की चीज़ों को प्राप्त करने में फंसे रहेंगे, तो परमात्मा कहते हैं तुम नई दुनिया में जाने के लायक नहीं रहोगे, और तुम्हें अटैचमेंट्स इन चीज़ों से हो रही है जो कि क्षणभंगुर हैं, आज है कल नहीं है, गाड़ी आज ठीक है नहीं है पुरानी हुई। अगर आप उदास हो गए और आपने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, किसी से तुलना करनी शुरू कर दी अपनी घर के मामले में, अपनी शक्ल सूरत के मामले में, तो परमात्मा कहते हैं कि पुरानी दुनिया की बातों में अगर आप आओगे तो आप हमेशा दुखी रहोगे। तो फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया और पुरानी देह, ये शरीर भी पुराना हो गया है। कहाँ एक कंचन काया, एक बहुत ही शक्तिशाली पवित्र देह हुआ करती थी, और आज हम जिस प्रकार का खाना खा रहे हैं, पैकेट का खाना खा रहे हैं कलयुग के अंत का, तो ये शरीर में बहुत सारी, चाहे किसी भी उम्र का ये शरीर हो, यंग बच्चों को आज आंखें की प्रॉब्लम, यंग बच्चों को डायबिटीज़, यंग बच्चों को आज ओबेसिटी, आज इतने बड़े बड़ी बीमारियाँ निकल रही। परमात्मा कहते हैं ये पुरानी देह है, इससे भी बहुत इच्छाएं मत रखना। तो और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं, देह से आत्मा का रिश्ता तो है, मैं आत्मा जब तक इस देह में हूँ मेरे को इसके साथ रह करके कर्म करने हैं, तो रिश्ता तो है, लेकिन लगाव का संबंध नहीं। लगाव कैसे हो जाता है, मैंने इस देह से कुछ कर्म किया, मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए, मैंने कुछ पढ़ाई करी लिखाई की, मुझे वो टाइटल चाहिए, तो वो टाइटल के साथ में अहंकार गुरूर आ जाता है। परमात्मा कहते हैं तो आप फरिश्ते नहीं, आप तो औरों को दुख पहुंचाते हो, उस गुरूर से खुद भी दुखी होते हो औरों को भी दुख पहुंचाते हो। कर्मेंद्रियों से कर्म के संबंध में आना अलग बात है। हम आत्माएं इस शरीर को इस्तेमाल करके कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म कर रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन कर्म बंधन में नहीं आना। मैंने आंखों से किसी के अंदर बुरा देख लिया, किसी के बारे में बुरा देख करके मैंने उसके ऊपर क्रोध किया, कानों से मैं किसी के बारे में बुरा सुना, मुख से मैंने उसके बारे में बुरा बोला किसी को, तो ये बंधन बन जाता है। कैसे बंधन बन जाता है, आप जिसके बारे में गलत सोचते हैं बोलते हैं वो आपको पूरे दिन याद आएगा, एक बंधन बन गया। तो आप फोकस कैसे करेंगे अपने कर्म पे, आपका मन डिस्टर्ब रहेगा। परमात्मा कहते हैं इसको समझने के लिए कर्म बंधन है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको याद आता है क्योंकि आपने कुछ लगाव है उसके साथ में, या आपने उसके साथ में कुछ बुरा सोचा है, या आपको पता है कि ये इस व्यक्ति के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी, तो परमात्मा कहते हैं वो बंधन है। फरिश्ता अर्थात कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त। आप कहीं भी कर्म कर रहे हैं, आपको एक पोस्ट पोजीशन मिली हुई है, लेकिन आपने अगर वो पोस्ट पोजीशन को अहंकार स्वरूप में लेकर के मैं मान लिया, तो आप वहाँ पे कर्म, उल्टे कर्म करने शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि पोस्ट पोजीशन जो भी हो, मुझे गुणों के अनुसार, शक्तियों के अनुसार यहाँ पे कर्म करने हैं, और हो सकता है कि कल ही में कोई जगह छोड़ देनी पड़े, और अगर आपका शरीर छूट गया आज, तो आप कहाँ के CEO रहे, कहाँ के मिनिस्टर रहे, कहाँ के MD रहे, कहाँ के डॉक्टर रहे, कौन से इंस्टीट्यूट के आप प्रिंसिपल रहे। परमात्मा कहते हैं एक सेकंड में आप शरीर छोड़ दें तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो आप वहाँ पर रहते हुए निमित्त बन करके, एक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट समझ करके अपने आप को कर्म करें, तो दुआएँ कमाएंगे और हल्के रहेंगे। जो इंसान दुआ कमाता है वो फरिश्ते जैसे रहता है। ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन। तो देह का बंधन क्या हुआ, देह का बंधन मतलब कि मुझे मेरी देह से मैंने कर्म करवाया,
मुझे अब इसके रिटर्न में कुछ चाहिए, चाहे एक टैग मिले चाहे एक लेबल मिले। और ये देह मुझे हेल्प करती रहे, देह की खूबसूरती है, देह की देख दिखने में अच्छी है तो कमेंट मिले, तो मुझे लोग प्रेस करें कि आप अच्छे दिखते हो, आपने बड़ा अच्छा सूट लगाया है। तो ये भी एक बंधन हो गया, कल नहीं उन्होंने अगर कमेंट किया तो आप उदास रहेंगे। परमात्मा कहते हैं ये देह के बंधन हैं, और ना देह के संबंध का बंधन हो। देह से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं, आपके पोस्ट पोजिशन, आपके सर्टिफिकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशंस आ गई, आपकी कितना बड़ा घर है, कि बैंक बैलेंस कितना बड़ा है, क्या क्या किया है आपने, क्या पोजिशन है आपके पास में, और ना देह के पदार्थों का बंधन। देह के पदार्थ में क्या होता है, खान पान भी आ जाता है, वस्तुएं भी आ जाती हैं, चीज़ें भी आती हैं, कपड़े भी आते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ में अगर आपका बंधन है, इनके बिना मैं कैसे रहूँगी, ये खाना नहीं मिला तो मैं खाना नहीं खाऊँगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ये कपड़े नहीं मिले तो मैं आज बाहर घूमने नहीं जाऊँगा, ये काम मेरी बात नहीं मानी उसने तो आज मैं काम नहीं करूँगा। परमात्मा कहते हैं ये सारे बंधन हैं, ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले, ऐसे बंधन मुक्त रहने वाले ही जीवन मुक्त फरिश्ते हैं। तो अगर आप ऐसे बंधनों से मुक्त रहते हैं तो आप तब जा कर के जीवन मुक्त, ऐसा जीवन जिसमें कि आप दुखों से, आप अड़चनों से मुक्त हैं, आप तब जा कर के फरिश्ते कहलाते हैं। ये बने कैसे हम ऐसा फरिश्ता जिसको कि किसी चीज़ से बंधन ना हो, तो उसके लिए मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्म कुमारी से लेना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ओम शांति।